हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। हसन हुसैन का नारा वही लगाता है, हलाल रिस्क की दौलत जो कमाता है। हसन हुसैन का नारा वही लगाता है। जनाबे फातमा जहरा के बेटे ऐसे हैं जिनके वास्ते जन्नत से सेब आता है। जनाबे फातमा जहरा के बेटे ऐसे हैं कि जिनके वास्ते जन्नत से सेब आता है। थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए मेरे में। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत उम्दा नायाब गुफ्तगू फैजान इमाम हुसैन के शामियाने रहमत के साए तले। जिक्र हुसैन आपने समाअत किया, कुछ लोग इतने मगन हो गए कि सुभान अल्लाह कहना भूल गए, नारा लगाना भूल गए। इश्के हुसैन होता ही ऐसा कि इंसान अपने आप में नहीं रहता। अल्लाह ताला आपकी सुनने को, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तकरीर इसी अंदाज में सुननी चाहिए। लेकिन ये अलग बात है, कुछ लोग सुनते सुनते सो गए, उनको उठा दीजिए वरना सुबह में कहेंगे कि मुफ्ती आरिफ साहब नहीं आए थे, है कि नहीं? उनको उठा दीजिए, वो साहब खंबा लगाए सो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बारात आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? हाँ, थोड़ा सा टेक हटा दीजिए आप, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी चार शादी हुई और आप घर से परेशान होकर आए हुए हैं। जलसा में आइए और शुगर फ्री रहिए, रहना चाहते हैं तो टेंशन फ्री रहिए। भाई साहब अभी भी टेक लगाए हैं, हमको एकदम ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वाकई आप गमजदा हैं। थोड़ा सा आप और आगे आ जाइए, जरा टेक लगाए हुए हैं, शादी के नाम पर आप बहुत मुस्कुरा गए। भाई साहब जिसकी शादी हुई वही जान रहा है, मोहब्बत में तो हर बीवी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है, मगर शौहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। हाँ, इसलिए थोड़ा एहसास कीजिए आप हजरात। जो लोग एकदम मुस्कुराना जानते हैं वो लोग एक बार मुस्कुरा कर मुस्तफा के नाम पर बोल दे सुभान अल्लाह। आप सोचते हैं तो मैं कहूंगा नबी के पाक जलसे में हो, कई पर सवाब कई पर अजाब होता है, प्यार में कहां हिसाब व किताब होता है, मुस्कुराते रहो खुरमाबाद वालों, उदास रहने से चेहरा खराब होता है। मुस्कुराते रहो खुरमाबाद वालों, उदास रहने से चेहरा खराब होता है। अदब के साथ आप बैठे हैं, इस बैठने को अल्लाह सलामत रखे। तकरीर जिस अंदाज से सुनना चाहिए था आप सुन लिए, मुझे बड़ी खुशी हुई। तकरीर को समातों के रास्ते दिल में उतारना चाहिए, जो आपने उतार लिया अल्लाह हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे बार बार फैजान हुसैन कमेटी के सदर मोहतरम इशारा फरमा रहे हैं कि बाहर से बहुत मुअज्जज लोग खड़े हैं बैठे हैं, आप लोग अंदर आ जाइए, ये अच्छा नहीं लगता है। आप अंदर आके तशरीफ रखें, बड़े बड़े उलमाए कराम की जियारत कीजिए, चूंकि इनका देखना भी एक सवाब है। मिंबरे नूर पे उलमाए कराम आए हैं, अहले फन शीरी सुखन शीरी कलाम आए हैं, मसनद शहनशाह आज खाली कर दो, खुरमाबाद में आज मोहम्मद के गुलाम आए हैं। जरा सा इनका एहतियात और इनका ख्याल कर लीजिए आप। उलमाए कराम की तकरीर सुनना सआदतमंदी है, नात शरीफ सुनना सआदतमंदी है, मुस्तफा की नात पर मुस्कुराना सआदतमंदी है, वहीं उलमाए कराम का चेहरा देखना भी सआदतमंदी है। मगर इन उलमाए कराम को आज आप लोग क्या समझते हैं? कुछ लोग तो इमाम समझते हैं और कुछ लोग अपने बाप का गुलाम समझते हैं, नहीं हमने देखा है। लेकिन इमाम को कभी नाराज मत कीजिए, इमाम अगर नाराज हो गया तो आपको टेंशन में डाल देगा, मतलब आप समझे नहीं, हम समझाते हैं। 40,000 का आपने बकरा लिया कुर्बानी के लिए, इधर देखिए, इधर उस गुब्बारे को क्या देख रहे हैं? कुछ लोग तो उसी को देख रहे हैं कि कब जलसा खत्म हो कि हम बाबू के लेके घर जाएं। टेंशन मत लीजिए, मिलेगा, लेकिन थोड़ा आराम कीजिए। आप मेरे तरफ देखिए, मैं इस वक्त बहुत खूबसूरत हूँ, इसलिए नहीं कि किसी की और की तारीफ, मैं मुस्तफा की तारीफ कर रहा हूँ। जरा सा हाथ उठाकर एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। मैं कह रहा था इमाम साहब को ख्याल कीजिए, वरना अगर ये नाराज रहे तो आपको टेंशन में डाल जाएंगे। 40,000 का आपने कुर्बानी में बकरा लिया और आपका इनसे मूड खराब है, कुर्बानी करने के लिए इनको बुलाया, कुर्बानी करने के बाद बाप के नाम आपका लेना था, मूड खराब था, अपने बाप का नाम लिया, तब क्या करेंगे आप? फातिया आपने 1,500 का करवाया, इमाम साहब का मूड खराब है, कहा हमारे अब्बा के नाम से बकस ये, इमाम साहब अपने नाम से, अपने बाप के नाम से फातिया पढ़ के चले गए, कहा कीजिएगा? इसलिए इमाम साहब को हमेशा खुश रखिए। मैं तो अक्सर कहता हूं गरज कोई छुपा है, एहतराम के पीछे जरूर कोई मकसद है, सलाम के पीछे तू अपने घर में होगा करोड़पति, मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। जरूर अपने मकसद में हो कामयाब, अपने घर में होगा करोड़पति, मगर
नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। बस आपको रिलैक्स करना था, मेरा काम हो गया। चार मिसरे इमाम हुसैन के बारगाह में पढ़ना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बार पूरा मजमा कह दें, या हुसैन। जरा जोर से बोल दे, जोर से। जो नहीं बोला है एक चांस हो, जरा सब मिलके बोल दे, या हुसैन। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर, चार साल पहले कोई नहीं जानता था, मगर चार साल में इस वक्त एक मुल्क नहीं कई मुल्क जान चुका है। हिंदुस्तान के एक बहुत खूबसूरत आवाज शायर मोहतरम जनाबे शाह जफर फतेहपुरी तशरीफ पहले ही से रखे थे, अब उनकी जोड़ी बनकर हिंदुस्तान की कीमती आवाज जमात अहले सुन्नत के मुमताज शायर जुदगु कलाम शायर शायर इस्लाम हजरत शम्स तबरेज साहब तशरीफ रखते हैं। दुआ कर दीजिए कि 2018 में इनका निकाह हो जाए। अरे आमीन तो बोल दीजिए, आपको टेंशन क्या। हाँ बस चार मिसरे सुन लें। मुफ्ती साहब आप बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर हुई है। हजरत की तकरीर में गौर से सुन रहा था, कभी कभी नारा भी नहीं लगा रहा था, क्यों? क्योंकि मैं कहीं खलल ना हो जाए तकरीर में। जब काबिल शख्सियत हो तो बहुत अच्छी बात निकलती है जुबान से, समझ रहे। मुफ्ती साहब बैठे हुए, बस इनके हवाले से चार मिसरे। खुरमाबाद के लिए एक तोहफा, एक तोहफा, इससे बड़ा तोहफा मेरे पास कुछ नहीं। दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया। जरा सा कुछ बोलेंगे तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा। दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। मतलब मैंने कंप्लीट कर दिया, मक्ता संभाल लीजिएगा। किबला आप पीछे चले गए हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए कराम के चमकते चेहरे, ऊपर से बरकाती टोपी, अल्लाह कसम ऐसी टोपी दिखाओ, अमरीका और रूस ना, अमरीका रूस और ना जापान की टोपी, सब देख के हैरान है, मुसलमान की टोपी। लग लग बख्शिश, बख्शिश हमारी हो जाएगी यकीनन दोस्तों, लग जाए अगर हाथ रजा खान की टोपी, लग जाए अगर हाथ रजा खान की टोपी। मैं चार मिसरे पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा मूड बनाए तो सुभान अल्लाह बोलेगा, एक साल में बरकत होगी, और जो नहीं बोलेगा बैंक का पैसा भी साफ। हाँ भाई, भाई बात क्लियर, हम साफ साफ बोलते हैं, कुछ छुपा के नहीं बोलते हैं भाई, हम डिक्लेयर क्लियर क्लियर करते हैं। मैं अनाउंसर बहुत दूसरे किस्म का आदमी है, हम कुछ छुपाएंगे नहीं, सब क्लियर क्लियर बोलेंगे। जिसको बैंक में पैसा बढ़ाना है सुभान अल्लाह बोलो, जो पैसा बचल है उसको खत्म करवाना है तो मत बोलो, मेरे बाप का क्या। लेकिन मुझे उम्मीद है, शुक्रिया सुभान अल्लाह। ये देखिए शायर साहब हैं, पढ़ने के बाद, पढ़ने से पहले कोई दे दे तो हम उसको रख लेते हैं, लेकिन अगर पढ़ने के बाद कोई शायर दे तो समझिए दाल में काला है। वो जितना फाटल फाटल नोट मिलता है वो सब लोग छांट छांट के अनाउंसर को दे देते हैं, कह घर ले जाके झंझट कौन पाले। लेकिन हमू जरा दूसरे किस्म का अनाउंसर है, हम जाते हैं घर में तो हमको बड़ी डांट मिलती है साहब कि फटले मिला था आपको, तो हम सोचते हैं घर में डांट कौन सुने, यहीं भी हम भी सैयार के जब दूसरे बार बुलाते हैं तो धीरे से सप्लाई कर देते हैं, तो भैया अपना माल तो खुद ले जाओ। चार मिसरे सुने हजरत, बस थोड़ा सा मजमा ठीक ठाक पोजीशन में है, हम इसी अंदाज में अमल करते हैं। हमारे सदर साहब बहुत गौर से देख रहे हैं, ये चार मिसरे इतना प्यारा है कि मुझको 50 रुपया जरूर देंगे, और अगर नहीं होगा तो पैंचा लेके देंगे। हाँ लेकिन देंगे। आजी साहब, दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया, नेजे पे कह रहा था यही सर हुसैन का, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। नेजे पे कह रहा था यही सर हुसैन का, नेजे पे कह रहा था यही सर हुसैन का, सर कट गया। अरे इतना अच्छा शेर पढ़ा, कोई नारा तो लगा दो भाई, कोई तो नारा लगा दो। शुक्रिया भाई, माशाल्लाह, जरा खड़े हो जाएं। जिंदाबाद, माशाल्लाह मेरे भाई ने नारा लगाया, अल्लाह सलामत रखे। बस कभी कभी नारा लगाकर मजमे को खूबसूरत बना दीजिए। दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया, नेजे पे कह रहा था यही सर हुसैन का, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। नेजे पे कह रहा था यही सर हुसैन का, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। मैंने ऐसे कुछ बात की थी हजरत, मैं कुछ बात कहूंगा तो आप बुरा मत मानिएगा, वरना ये जो मेरा जुमला है कभी कभी लोगों को सिर्फ रिलैक्स करने के लिए बोलते हैं। हिंदुस्तान के बड़े कीमती आवाजों की बारी आ रही है, अब बहुत बड़े बड़े शोरा कराम की तरफ मुझे रुजू करना है कि नहीं। आप हजरात की भी आंखें अश्कबार नहीं बल्कि इस इंतजार में है कि वो
आवाजें कब आएंगी जो पूरे मुल्क के जलसों को मुस्कुराहट की बुनियाद पर कामयाब किए हुए हैं। वो मुशायरे की जान, जलसों की शान, शोराए कराम जिनका इश्तिहार में नम नाम पढ़ पढ़कर 6 मुहर्रम का इंतजार कर रहे थे, वो जोड़ी कब आएगी? अब आइए, आपका इंतजार की मुद्दत खत्म हो गई। इस वक्त मैं चाहता हूँ आपकी समातों के दस्तरखान पर खाना खिलाने के लिए नहीं बल्कि रूहानी अग़ज़िया तकसीम करने के लिए इस वक्त शायर मोहतरम, शायर ज़ीवकार, शायर खुशफिक्र, कादरुल कलाम हजरते शाद जफर फतेहपुरी तशरीफ ला रहे हैं, है कि नहीं? उनसे कलाम सुनना है आपको, सुनना है ना? देखिए, शायर बहुत खूबसूरत, कलाम बहुत खूबसूरत, आवाज बहुत खूबसूरत और चेहरा भी इनका बहुत खूबसूरत। ये इतने गोरे नारे दिख रहे हैं, अगर ये लंदन में पैदा होते तो इनका फोटो चमन फराश पे आता और उसके नीचे लिखा होता, खाओ और काम पे लग जाओ। समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ऊंचे क्वालिटी का शायर का नाम शाद जफर। अभी साहब पानी पी रहे हैं, उसके बाद आपको पानी पिलाएंगे। समझ रहे? आइए, हाथ उठा लीजिए, नारा लगाइए, पहले उठाइए तब लगाएंगे। देख लीजिए कौन उठा रहा है या किसका हाथ दूसरे के जेब में है। समझ रहे हैं? अगर जिनका हाथ नहीं उठा समझ लीजिए कुछ टेंशन में है। भाई साहब, आप आना जाना कर रहे हैं, लगता है उधर कहीं से कुछ पैगाम हुक्म आया है। आप बस एक जगह बैठ जाइए, भाई साहब आप भी बैठ जाइए। अब आपने हाथ उठा लिया है तो जरा एक बार हाथ हिला दीजिए ताकि लोगों को मालूम हो जाए नबी के नवासे के गुलाम बेदार हो चुके हैं। अब जरा इसी अंदाज में एक मर्तबा बुलंद आवाज से फेफड़े की पूरी ताकत लगाकर नारे का जवाब दीजिए। यहाँ से आवाज उठेगी, मदीने शरीफ में आवाज मकबूल होकर करबला शरीफ तक पहुंच जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़े कुरान, मुसलमानाने खुरमाबाद, मदरसा अहले सुन्नत करीम नवाज, फैजाने हुसैन कमेटी, शायर इस्लाम शाद सफर फतेहपुरी तशरीफ रखते हैं। बस 4 मिसरों के साथ हम उन्हें आवाज दें कि बावजू जिक्र शहर लौलाख होना चाहिए, नात क्या है इसका भी इदराक होना चाहिए, शाद हो शम्स हो सबका कहना है यही, नाच सुनने के लिए दिल पाक होना चाहिए।